चैनल सोनालिस कॉर्नर। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY ऐसा शेयर करने जा रही हूँ जो आपको यूज़ करने से एक बार में ही आप लोगों को आपके स्किन में फर्क पता चल जाएगा। तो इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं सबसे पहले यहाँ पे ले रही हूँ, आलू यानी कि पोटैटो। पोटैटो का मैं कद्दूकस कर रही हूँ एंड उसके लिए मैं एक स्मैशर की यूज़ कर रही हूँ एंड उसमें से मैं पोटैटो की जूस निकाल लूँगी अपने हाथों की मदद से। आप लोग कोई भी कॉटन के कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मिक्सर में भी देके आप कर सकते हैं। तो पोटैटो में ऐसा एक जूस के अंदर प्रॉपर्टीज़ होता है कि उसमें ब्लीच अच्छे से हो जाता है हम लोग की स्किन में, यानी कि कोई भी काला दाग हो या फिर पैचेस हो या फिर पिंपल्स की दाग हो बहुत पुरानी, वो निकालने में मदद करता है। तो मैं यहाँ पे पोटैटो जूस सबसे पहले निकाल लिया एंड उसके बाद मैं अभी लूँगी यहाँ पे एक टेबलस्पून बेसन। बेसन हम लोगों के ऑल टाइप ऑफ स्किन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यह हम लोगों के स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ाने में भी मदद करता है और हम लोगों को गोरा बनने में भी मदद करता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पोटैटो जूस ले रही हूँ जो मैंने पहले से बना के रखा था। ये आप लोग अपने रिक्वायर्ड के अनुसार ले सकते हैं, ये टेक्सचर अच्छे से बन जाए इसलिए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर मिक्स कर रही हूँ जो सन टैन या फिर कोई भी दाग आप लोगों को हल्का करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स है इसको मैं अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी एंड इसको मैं अभी स्किन में लगा लूँगी। ये जो पैक है ये पैक आप लोग हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद 20 मिनट रखने के बाद आप इसको प्लेन वाटर से धो लीजिए।